शांत बैठे, हो सके तो आंखें बंद, न हो तो मन ही मन में विचार शांति के। आज की नवरात्रिया पुरुषोत्तम मास पूर्ण अश्विन मास शुक्ल पक्ष देवी माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के दिन शक्ति की आराधना, ज्ञान को शक्ति की भी साथ हो। केवल ज्ञान से काम न बने और केवल शक्ति से पता न चले। न केवल ज्ञान से संभव, और न शक्ति मात्र। शक्ति और ज्ञान दोनों की कितनी शक्ति है ब्रह्मांड में। द स्टेलर एनर्जी, दिस जस्ट द सोलर एनर्जी, सारे वर्ष भर, सारे पृथ्वी में जितने शक्ति का उपयोग हो उससे ज्यादा शक्ति सूर्य एक दिन में सूर्य पृथ्वी पर न्योछावर करते, ऐसे भगवान भास्कर। किंतु शक्ति को अगर ज्ञान के साथ न हो तो कोई जल भी जाए, जल भी रहा, वाइल्ड फायर्स, द टॉर्नेडोज एंड द हरिकेन्स, इमेंस पावर, लेकिन नियंत्रण न हो, अंकुश न हो, पता ही न चले। अगर उस वाइल्ड फायर को पता चले कि अरे 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 मेरे से तो जल जा रहा है सृष्टि, मैं जला रही हूँ सबको, तो तुरंत वो अपने आप बंद हो जाए। किंतु उसको पता ही नहीं चले, ज्ञान ही नहीं, टॉर्नेडो को, हरिकेन को। तो केवल शक्ति का उपयोग नहीं, इसके साथ समझ भी चाहिए। द एबिलिटी टू वील्ड पावर, झेपना, उसको पेलना। और केवल ज्ञान से कुछ उपयोग नहीं, ज्ञान ही बन के बैठ जाए किंतु कोई क्षमता नहीं, कोई शक्ति नहीं, निर्बल दुर्बल, तो भीख मांग मांग कर खाए। और जो अज्ञानियों को सेवा करनी पड़े तो ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग, जो शक्ति प्रदायक ना हो, जो शक्ति न दे। What good is that knowledge, that wisdom, that which cannot strengthen me, empower me? वो छुट्टी कैसे कराए, मुक्ति कैसे कराए, लिबरेट कैसे कराए, बाहर कैसे निकाले जिसके पास खुद ज्ञान न हो, शक्ति न हो। न केवल ज्ञान से काम पूरा, न केवल शक्ति से काम पूरा, लेकिन ज्ञान और शक्ति, शिव और अशक्ति, दोनों का समन्वय बराबर समतोल में, बैलेंस्ड, टेकिंग टर्न्स, कोएग्जिस्टिंग, कीपिंग द बैलेंस, द यिन एंड द यांग, उससे काम आगे चले। तो ये जो नवरात्रिया प्रारंभ हुई, इस शक्ति की आराधना है। देयर इज अ प्लेस फॉर एनर्जी and there is a place for the energetic, dono, and though both are places of honor, sanmaniya sthan, navratriyon mein vishesh shakti ki or dhyan diya jata hai, vishesh shakti ki aradhana, vishesh devi mata, kyunki us shakti mein hi matritva bhi chhipa hai, ya devi sarva bhuteshu शक्ति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तुभ्यं नमो नमः। फिर कहा, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितः, इस शक्ति रूप तो है किंतु ये मातृ रूप, मातृत्व कोमल होता है, नुकसानकारी नहीं होता। ये देवी माता, ये शक्ति ऐसे नहीं है कि फायर आग लगा दे जलाती जाए, क्योंकि खाली शक्ति रूपेण संस्थितः, इसमें मातृत्व भी है,
संहारक ही नहीं है, संरक्षक भी है। दोनों जिसमें हो, संहार शक्ति और संरक्षक शक्ति, वो प्रकृति माता। The fragility and the robustness of the system around me. Pay close attention to the ecosystem that upholds us. एक किसने पकड़ के रखा इस पृथ्वी को अलगद हल्का, in a vacuum. Who is maintaining the environment, the atmosphere? So the delicate balance between the fragility and the robustness, itni nazuk prakriti, kintu itni mazboot usi samay. How wondrous, how awesome is that? तो ऐसे शिव शक्ति के समन्वय, शक्ति के जो संरक्षक और संहारक, इन गुणों की आराधना के दिन नवरात्रिया, taking 9 steps toward the 10th and the final step, Dashahara. Dasha meaning 10, 10th. भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भगवान कहते सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग हम सुन चुके। देर इज एन एट फोल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ माय एक्सटर्नल एनर्जी अर्जुन, सुपीरियर टू दोज is my other energy, that is the Jivatma, that's who you are. Ye jo Ashtabhuja Devi, eight-armed goddess, Gita mein jo varnan aaya, to shakti ki aradhana, jai mata di, usse aashirvaad prapt kare, मन कर्म वाणी से तथा जो शुद्ध पावन होय है, अधिकारी सो ही योग का है ज्ञान पाता सोय है। अपने शक्ति का उपयोग शुद्ध प्योर इंटेंशंस, इट इज द इंटेंशन दैट मैटर्स। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन लीड्स टू फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन। मन कर्म और वाणी, प्योरिटी इन ऑल थ्री, इन माय थॉट्स, इन माय वर्ड्स एंड इन माय डीड्स। मन कर्म वाणी से तथा जो शुद्ध पावन होय है, अधिकारी सो ही योग का। द डिजर्विंग ऑफ दिस यूनियन विद द सुप्रीम ऑलमाइटी है ज्ञान पाता सोय है, शुड बी एंडाउड विद the opulence, the wealth of this wisdom. Isliye ho tu sadachari sada, man indriyon ko jeet re, na swapna mein bhi dusaron ki tu burai cheet re. That is why I will strive to purify my mind, my senses, my intentions, my speech, my thoughts and my deeds, my actions. Not even in my dream will I wish ill upon anyone, with malice towards none and charity for all. Bhagavan Sri Krishna kehte hai, Srimad Bhagavat ke 11th skand mein, Uddhava Gita mein, पुरुषत्वे च माम धीराः सांख्य योग विशारदाः। हे उद्धव, ये मानव जाति, ये मेरा मानव पुत्र जो है, दिस ह्यूमन चाइल्ड ऑफ माइन, दिस ह्यूमन स्पीशी इज श्योरली द मोस्ट
द बेस्ट ऑफ माई क्रिएशंस। क्यों? क्योंकि आत्मनो गुरुर आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः। दिस स्पीशी अलोन हैज द केपेबिलिटी, जो अपने आप को अपना गुरु बना सकता है, खुद ही खुद को सिखाकर अपलिफ्ट कर सकता है। यही है जो अपने आप ऊपर जाकर सारा दृश्य देखकर सब समझ सकता है। ये पुरुष विशेष है। उद्धव पुरुषत्वे च माम माइन धीरा, माय बेस्ट इज दिस ह्यूमन काइंड। सांख्य योग विशारदहा, फॉर दिस वन कैन अंडरस्टैंड analytically, externally, internally, intrinsically, intuitively, how atmano gurur atmaiva purushasya visheshatah। Bhagavad Gita mein bhi Bhagavan ne kaha, in the 6th chapter we visited atmano gurur atmaiva उद्धरेद आत्मनाम आत्मानम आत्मा नैव न विषादयत अवसादयत। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप अवसाद में न डाले। तो इस नवरात्रियों के पहले दिन से देवी माता से यही आशीर्वाद की प्रार्थना कि हम में बैठे हमारे गुरु को जागृत करे, अपने गुरुत्व को, अपने बड़ेपन को। सो आई मे नॉट रिमेन स्मॉल, स्मॉल माइंडेड, स्मॉल हार्टेड, स्मॉल ब्रेन्ड, दैट आई मे फुल्ली मैनिफेस्ट एंड ब्लॉसम एवरीथिंग दैट यू गिवन मी मदर। द ब्रॉड माइंडेड, बिग हार्टेड एंड द ब्रेथ एंड द डेप्थ ऑफ द नॉलेज मे Shine upon me। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।